भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से टेस्ट मैच खेला जाएगा जो कि 5 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पहले ही साफ कर दिया है कि आयरलैंड सीरीज जो कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया खेलेगी वहीं तक एक्सपेरिमेंट का दौर चलेगा और इसके बाद यह सब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया टेस्ट मैच 5 जुलाई तक खेलेगी, लेकिन इसके एक दिन गैप के बाद यानी कि 7 जुलाई से टीम इंडिया 3 मैचों की T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ शुरू करेगी और वहां भी हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कप्तानी दी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि 5 जुलाई तक टेस्ट मैच होगा, ऐसे में खिलाड़ियों को आराम के लिए केवल एक दिन उपलब्ध होगा जो कि 6 जुलाई है और ऐसे में 7 जुलाई से T20 सीरीज खेलना खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो सकता है और ऐसे में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के बदले हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को पहले ही कह दिया है कि वह आयरलैंड सीरीज के बाद तुरंत इंग्लैंड रवाना होंगे और वहां से कुछ खिलाड़ी भी इंग्लैंड उनके साथ रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच जिस वक्त टेस्ट मैच खेला जाएगा उसी वक्त हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम व इंग्लैंड की लोकल टीम्स के साथ 2 T20 वार्म अप मैच भी खेलेगी और ऐसे में T20 टीम की कप्तानी भी हार्दिक पांड्या को उसके बाद दी जा सकती है। बहरहाल अभी बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज टीम का ऐलान नहीं किया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच टीम का ऐलान हो चुका है जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बचा हुआ एक मैच खेलेगी। बहरहाल आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलेगी और उस लिहाज से टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड की सीरीज काफ़ी मायने रखती है। आपकी क्या राय है हार्दिक पांड्या को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।